राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज 28 नवंबर मंडे है, सो यहाँ पर मेरी पैकिंग हो रही है मायके जाने के लिए और मैं तैयार भी हो गई हूँ। तांशु को भी रेडी कर दिया है क्योंकि पापा थोड़ी बहुत देर में आ ही रहे हैं। और ये विंटर के टाइम में ना कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। एक तो शादी के लिए कपड़े अलग से रखने हैं, घर में पहनने के लिए अलग से रखने हैं, फिर वूलन भी होते हैं। और साथ में मैं तांशु के पापा के भी कपड़े लेकर के जा रही हूँ जो ये अभी नई शॉपिंग करके लेके आए हैं। सो इसलिए ना बहुत सारा सामान हो रहा है, दो बैगों में आया भी नहीं है, जबकि मैंने बहुत दबा दबा करके सारा सामान भरा है। फिर मुझे अलग से दो पॉली बैग करने पड़ रहे हैं। और अभी पापा भी आ गए हैं। पापा जी को मैंने खाना दिया ही था खाने के लिए, तब तक पापा भी आ गए हैं। और मैं पापा से भी बोल रही थी, मैंने पापा आप भी खा लो खाना, तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए मुझे भूख भी नहीं लग रही है। मैंने बहुत बोला है पापा से खा लो खाना रखा हुआ है, मैंने बना दिया है, बट पापा ने खाया नहीं है। और तांशु के हेयर में ऑयल नहीं लगाया था तो मैं इनके हेयर में ऑयल लगा दूँ। और मैंने इनको कैप भी पहना दी है। वुलन वैसे बाहर धूप निकल रही है बट ऑटो में जाएंगे तो हवा लगेगी तो इसलिए मैंने पहना दी है। और वैसे भी इनको सर्दी भी हो रही है और मुझे भी सर्दी हो रही है। और अभी मैं यहाँ पर अपने पैरों में महावर भी लगा ले रही हूँ क्योंकि भाई मैं मायके जा रही हूँ, शादी के फंक्शन में जा रही हूँ, सो इसलिए महावर लगाना ज़रूरी है। और महावर लगाने के बाद मैंने महावर के पैर छू करके फिर मम्मी जी के भी पैर छू लिए हैं। और वैसे मैं महावर बहुत कम लगाती हूँ, किसी फंक्शन वगैरह में या त्यौहार वगैरह में ही लगाती हूँ क्योंकि महावर से ना मेरे पैरों की एड़ियाँ फट जाती हैं, इसलिए मैं बहुत कम लगाती हूँ। बट आज खास दिन है, मुझे मायके जाकर के दहलीज पूजनी है तो इसलिए महावर लगा ली है मैंने। और अभी पापा यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं। अम्मा फिर आऊंगी जल्दी है? हाँ, अभी छुट्टियां हो जाएंगी सर्दियों की, सो ही आ जाऊंगी। ठीक है अम्मा? अभी चाय भी हाँ, और आप अच्छे से रहना, ज्यादा घुमा फिरी मत करा करो, आप सर्दियाँ आए अब। नहीं बेटा कहूँ ना लगी, हाँ वो चोट फिर उखड़ आती है अम्मा, फिर इसलिए ना मम्मी जी कहती है अपने रजाई ओढ़ के आराम से बैठी रहो ना लगाती अम्मा है। और तांशु दादी के पैर छू रहे हैं लेकिन दादी के पैर ना रजाई के अंदर है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तांशु पैर छू भी रहे हैं कि नहीं। पैर छू रहा हूं। कहाँ है पैर अम्मा के? सिरे पे कोई नहीं धक्का हुआ ठीक है। काय मेरा सुन रहे हो? बंद हो ये बम। नहीं पर सुन, बंद काय को ढक्कन बंद। दादी के पैर छुओ। ये पैसे मेरे हैं ना, ला। बाबा के कौन छुएगा? हैं? बाबा के। पैसे निकालो, और आप में से कुछ लोग पूछना चाह रहे थे कि आपकी मम्मी की जो है सासू माँ की सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही हैं, आपकी सासू माँ की डायबिटीज़ 400 है तो प्लीज़ आप जो है इंग्लिश दवाई भी चलाएं, तो उनकी इंग्लिश मेडिसिन भी चल रही है और आयुर्वेदिक दोनों दवाएं वो साथ में ले रही हैं। और अभी हम लोग निकल आए हैं और ये देखिए हमारे गांव में ये आलू की खेती है और सरसों की भी खेती हो रही है। और सरसों के खेत जहाँ बड़े बड़े हो गए हैं तो बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है, उनको देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखो मैं आप लोगों को दिखाऊं कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है।
और अभी मैं आगरा आ गई हूँ और अपने घर के बिल्कुल पास में ही हूँ, तो मैं यहाँ मिठाई की शॉप पे रुकी हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से बूंदी के लड्डू लेने हैं और इन्हीं लड्डुओं से जो है दहलीज पूछी जाएगी। और ये लड्डू ना पूरी गली में बटेंगे भी, तो इसीलिए फिर मैंने ये 4 किलो लड्डू पैक करा लिए हैं और अभी चलते हैं लड्डू लेकर के घर पर। और अभी मैं अपने मायके पहुंच गई हूं, लेकिन अभी बाहर ही रुकी हूं, अभी अंदर एंटर नहीं हुई हूं, तो जब तक मैं ये दहलीज पूछ नहीं लूँगी तब तक मेरी अंदर एंट्री नहीं होगी। और ये 9 आंटी जी हैं हमारे मोहल्ले की, तो सबसे पहले इन्होंने दहलीज को जो हल्दी से लिपाए, फिर उसके ऊपर आटे से चौक बना रही हैं। और ये जो बोरियाँ रखी हुई थी ना गेट पर, इसमें आलू हैं जो कि मैं अपने ससुराल से लेकर के आई हूँ, और ये आलू हमारे खेतों के ही हैं, तो मम्मी जी पापा जी ने रख दिए हैं। और मैं चप्पल पहने हुई थी, तो सबसे पहले मैंने चप्पल उतारी, चप्पल उतार के फिर मम्मी पानी ले आई थी तो मैंने हाथ धुले हैं, उसके बाद फिर मैं ये हल्दी घी इसे पूछ रही हूँ इसे, और लड्डू चढ़ा दे रही हूँ और बस हाथ जोड़ ले रही हूँ। और हाँ, इसके ऊपर पैसे भी रखने हैं, तो मैंने इसके ऊपर पैसे भी रखे हैं। और इस स्लिप पर मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मैं बार बार स्लिप हो रही थी क्योंकि एक तो ये चिकनी है जबकि नई बनी है, बट फिर भी बहुत चिकनी है, तो पैर मेरा बार बार स्लिप हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने बैठ कर के दहलीज पूजी है और अब मैं घर में एंटर हो रही हूँ। और अभी यहाँ पर ये आंटी जी थाली में पानी लेकर के मेरे पैर धुल रही हैं, तो ये भी एक रिवाज है, तो जब बेटियाँ आती हैं ना मायके तो उनके ऐसे पैर धुले जाते हैं। और पानी जो है महावर की वजह से ना पूरा लाल हो गया है। और ये जो लड्डू है ना पूरी गली में बटेंगे, आसपास सारे मोहल्ले में बटेंगे, तो इसलिए मैं इतने लड्डू लेकर के आई हूँ, तो ये सारे बट जाएंगे पूरी गली मोहल्ले में। और ये मम्मी अभी टहनिया में करके जो है आंटी जी को दे दे रही है, तो ये पूरी गली में बांट आएंगी। ऐसे डिब्बे में अच्छा नहीं लगता ना, तो ऐसे टहनिया में करके दे देंगी, तो ढक करके ले जाएंगे अपने और बांट आएंगे पूरी गली में। सो आज से इस तरीके से मेरे मायके में भाई की शादी के शुभ कामों की शुरुआत हो गई है। वैसे तो शुभ कामों की शुरुआत पहले ही हो गई थी, लेकिन फिर बीच में काफ़ी दिन का गैप भी हो गया था क्योंकि और कोई फंक्शन था नहीं, लेकिन अब जो है फंक्शंस लगातार चलेंगे, भाई की शादी के होने के भी 2-3 दिन तक चलेंगे। और अभी रात में खाना पीना होने के बाद यहाँ पर गीत हो रहे हैं ढोलक पर, तो आज से मेरे मायके में खूब रौनक रहने वाली है, नई भाभी के आ जाने तक डेली गीत होंगे, ढोलक बजेगी।
और गीत होने के बाद बतासे वगैरह बटने के बाद फिर थोड़ी देर तक सभी औरतें घर के बाहर ऐसी गली में खड़ी रही थी और यहाँ पर डोला गा रही थी। तो एक दो डोला हुए थे, उसके बाद सब अपने घरों में गए थे। अब डोला क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, ये भी गीत ही होते हैं। और गीत वगैरह होने के बाद मम्मी यहाँ पर ढोलक पैक कर रही हैं, तो मैं इसको ऊपर वाले कमरे में रखा हूँ। और आज मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का बर्थडे है, जिनके नाम है, एक सब्सक्राइबर है लता दुबे जिनकी बेटी आकांक्षा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आकांक्षा बेटा। और दो सब्सक्राइबर्स और हैं जिनका कल यानी कि 29 नवंबर को बर्थडे है, एक है भाविक सिंह और एक है बॉबी शर्मा। तो आप दोनों को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक है शिवेंद्र सिंह जिनकी बेटी मीनाक्षी का बर्थडे है कल, सो हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी बेटा। आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे। और अब मैं अपने आज के इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।